प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बॉलीवुड और कंट्रोवर्सीज अक्सर साथ साथ चलती हैं। अगर बात करें कंट्रोवर्सी की, तो इसमें भट्ट फैमिली का नाम सबसे ऊपर आता है, जो अपने विवादित बयान, अफेयर्स और नेपोटिज्म को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। इस बीच भट्ट फैमिली के मुखिया महेश भट्ट सोशल मीडिया पर अपने अफेयर्स को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि महेश भट्ट ने बॉलीवुड की किन किन हसीनाओं से चक्कर चलाया। अगर आप भी इनके अफेयर्स को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, महेश भट्ट को बॉलीवुड का जॉनी सिंस कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। महेश भट्ट कॉलेज के समय से ही आशिक मिजाज के रहे हैं। ये कॉलेज के दिनों में ही लोरियन ब्राइट नाम की लड़की से इश्क लड़ा बैठे और फिर ब्राइट ने अपना नाम किरण भट्ट रख के महेश से शादी रचा ली, जिससे इन्हें दो बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हुए। दोस्तों, इस शादी से महेश भट्ट का मन नहीं भरा और इस प्लेबॉय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी से चक्कर चलाया। दोस्तों, बॉबी इस रिलेशनशिप से डिप्रेशन में चली गई। बॉबी की इस हालत को देख महेश भट्ट ने बॉबी को छोड़ दिया और सोनी राजदान को डेट करने लगे। जब ये बात इनकी पहली पत्नी किरण को पता लगी, तो उन्होंने महेश भट्ट से तलाक ले लिया, जिसके बाद भट्ट ने मुस्लिम लड़की सोनी राजदान से शादी कर ली, जिससे इन्हें दो लड़कियाँ आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हुए। दोस्तों, बॉलीवुड के जॉनी सिंस कहे जाने वाले महेश भट्ट का इस शादी से भी मन नहीं भरा और फिर उन्होंने सूरज पंचोली के जीएफ को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इन विवादों के बीच फंस कर जिया खान दिमागी परेशान रहने लगी, जिसके बाद महेश भट्ट ने इन्हें भी छोड़ दिया और अपनी बेटी की उम्र की लड़की और सुशांत सिंह राजपूत की जीएफ रिया चक्रवर्ती के साथ अफेयर चलाया। दोस्तों, बताया जाता है कि इन्होंने रिया से सुशांत को छोड़ने को कहा। जब ये बात सुशांत को पता चली, तो वे दिमागी परेशान रहने लगे, जिसके चलते बॉलीवुड के इस सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इस केस में रिया और महेश भट्ट फंसते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी महेश भट्ट की काली करतूत। आप इन सब बातों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें।